मनोविज्ञान में हर किसी की रुचि होती है। लोगों और उनके कार्यों को पढ़ना और उन्हें बेहतर तरीके से जानना हमेशा जिज्ञासा से भरी प्रक्रिया होती है। मनोविज्ञान कहता है कि शारीरिक भाषा किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। यहाँ बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य दिए गए हैं जो आपको लोगों के दिमाग में झांकने का मौका देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर एक, जब लोग झूठ बोल रहे होते हैं या तनाव में होते हैं तो उनकी पलकें तेजी से झपकती हैं। नंबर दो, जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो शारीरिक भाषा को प्रतिबिंबित करना कुछ ऐसा है जो हम अनजाने में करते हैं। नंबर तीन, अगर कोई बातचीत के दौरान अचानक अपने दोनों हाथ और पैर क्रॉस कर लेता है तो यह इस बात का संकेत है कि उसकी बातचीत पूरी हो गई है। नंबर चार, असहज महसूस होने पर पुरुष अपना चेहरा छूना पसंद करते हैं। दूसरी ओर महिलाएं अपनी गर्दन, कपड़े, गहने, बाहें और बालों को छूना पसंद करती हैं। नंबर पांच, आमतौर पर अपने हाथों को आपस में रगड़ने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के मन में किसी चीज के बारे में सकारात्मक भावना है। नंबर छह, जब कोई अपनी ठुड्डी उनके हाथों में देता है तो वे अपना चेहरा ऐसे प्रस्तुत करते हैं मानो वे कहना चाह रहे हों, यह मैं हूँ। नंबर सात, बातचीत के दौरान यदि कोई अत्यधिक सिर हिला रहा है तो इसका मतलब है कि या तो वे इस बात से चिंतित हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, या वे आपके निर्देशों का पालन करने की उनकी क्षमता के बारे में संदिग्ध हैं। नंबर आठ, अगर कोई बात करते समय आगे की ओर झुक रहा है तो इसका मतलब है कि वह उस व्यक्ति को पसंद करता है जिससे वह बात कर रहा है। नंबर नौ, अगर कोई किसी के सामने अपना रूप ठीक रखता है तो यह इस बात का संकेत है कि वह उस व्यक्ति को पसंद करता है। नंबर दस, एड़ी से लेकर पंजों तक का हिलना दर्शाता है कि व्यक्ति किसी बात को लेकर चिंतित है। नंबर ग्यारह, अपनी उंगली को क्रॉस करना क्रॉस का चिन्ह बनाने का एक तरीका है। इसकी शुरुआत बुतपरस्तों का ध्यान आकर्षित किए बिना भगवान से सुरक्षा मांगने के एक तरीके के रूप में हुई। नंबर 12, शारीरिक भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और कुछ अन्य जानवर सचेतन या अवचेतन शारीरिक गतिविधियों या चेहरे के भावों के माध्यम से जानकारी देते हैं। शारीरिक भाषा को आधिकारिक तौर पर काइनेसिक के रूप में जाना जाता है। नंबर 13, ऐसा प्रतीत होता है कि शारीरिक भाषा के तीन प्रमुख उपयोग हैं, एक वाणी के सचेत प्रतिस्थापन के रूप में, दो वाणी को सुदृढ़ करने के लिए, और तीन दर्पण या मनोज्ञा के विश्वासघातक के रूप में। नंबर 14, शारीरिक भाषा पर पहली आधुनिक पुस्तक 350 वर्ष से भी पहले प्रकाशित हुई थी। जॉन बुलवर की चिरोलोगिया और द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ द हैंड 1644 एक अग्रणी कार्य थी। नंबर 15, एक महिला के पास व्यापक परिधीय दृष्टि होती है जो उसे बिना पकड़े किसी पुरुष के शरीर को सिर से पैर तक जांचने की अनुमति देती है। एक पुरुष की परिधीय दृष्टि कमजोर होती है, यही कारण है कि एक पुरुष बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी नजर को एक महिला के शरीर पर ऊपर और नीचे घुमाएगा। पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक ओगल नहीं करते हैं, उनकी सुरंग दृष्टि का मतलब है कि वे अधिक आसानी से पकड़े जाते हैं। नंबर 16, सामान्य आराम से पलक झपकाने की दर 6 से 8 पलके प्रति मिनट है और आंखें लगभग 1/10 सेकंड के लिए बंद रहती हैं। दबाव में रहने वाले लोगों, जैसे कि जब वे झूठ बोल रहे हों, कि पलक झपकने की दर में नाटकीय रूप से वृद्धि होने की संभावना होती है। नंबर 17, अमेरिकी आमतौर पर एक दूसरे से 18 से 48 इंच की दूरी पर खड़े होते हैं जो उनके व्यक्तिगत बुलबुले के आकार का है। हालांकि जापानियों का व्यक्तिगत बुलबुला या अंतरंग क्षेत्र 10 इंच का होता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में शहर में रहने वाले लोगों की तुलना में बड़े व्यक्तिगत बुलबुले होते हैं। नंबर 18, चेहरे के सभी भावों में से मुस्कान सबसे अधिक भ्रामक हो सकती है। लगभग 18 अलग अलग मुस्कुराहटें हैं, लेकिन केवल एक डचेन मुस्कान वास्तविक खुशी को दर्शाती है। नंबर 19, चेहरे के 6 सार्वभौमिक भाव हैं, 1 क्रोध, 2 घृणा, 3 भय, 4 खुशी, 5 दुःख और 6 आश्चर्य। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि तिरस्कार और शर्मिंदगी की झलक भी सार्वभौमिक अभिव्यक्तियां हैं।
नंबर 20, उत्तरी यूरोप और सुदूर पूर्व के अधिकांश हिस्सों के साथ ब्रिटेन को गैर संपर्क संस्कृति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें दैनिक बातचीत में बहुत कम शारीरिक संपर्क होता है। तुलनात्मक रूप से मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी यूरोप को उच्च संपर्क संस्कृतियां माना जाता है, जहां शारीरिक स्पर्श सामाजिकरण का एक बड़ा हिस्सा है।